वन टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले से पहले भारतीय टीम के इंट्रा स्क्वाड टूर्नामेंट चल रहे हैं और इन टूर्नामेंट के दौरान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का भी बोलबाला देखने को मिला। रविंद्र जडेजा ने इस मैच के दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया। टेस्ट क्रिकेट के इस महाकुंभ से पहले रविंद्र जडेजा ने 76 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। रविंद्र जडेजा को विदेशी सरजमी पर इस तरह अर्धशतक बनाने से जरूर आत्मविश्वास मिला होगा और इस महामुकाबले के शुरू होने में अब बस 4 ही दिन का वक्त बचा है। जडेजा के इस मैच में खेलने पर अभी भी असमंजस बरकरार है। साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम की पिच को देखते हुए ही उनके खेलने या नहीं खेलने पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। अगर पिच स्पिनर्स की अनुकूल हुई तभी उन्हें जगह मिलेगी, अन्यथा विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन के अलावा 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर सकते हैं। इस मैच के दौरान मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट निकालने के दौरान कुल 22 रन दिए थे। विराट इस मैच में सिराज को भी जगह देना चाह रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत 94 गेंदों पर 121 रन बना चुके हैं। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी 85 रन बनाए। खुद विराट कोहली ने भी गेंदबाजी में हाथ आजमाया, उन्होंने शानदार इन स्विंग गेंदबाजी की। लेकिन इस इंट्रा स्क्वाड मैच में रविंद्र जडेजा की धमाकेदार पारी देखने को मिली जिससे कीवी टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।